हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC। और दोस्त, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेटनेस के बारे में। स्ट्रेटनेस, सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड होगा सिर्फ स्ट्रेटनेस पे, और अपन थोड़ा सा डेप्थ में इन जनरल जाएंगे, और सभी टर्म्स के बारे में सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर मैं लाने की कोशिश करूंगा इससे, क्योंकि हमारा चैनल पूरा पूरा डेडिकेटेड है, समर्पित है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चरणों में। तो हर चीज़ के बारे में बात करना तो बनता ही है। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात होगी ज़रूर, बट हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही मेन बुनियाद है चैनल का। इसको मैकेनिकल को बेस मान के एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं, ये एक नया एस्पेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो स्ट्रेटनेस क्या है? स्ट्रेटनेस है कि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, मॉलिकुलर लेवल पे जाना पड़ेगा। मान लो कोई, जैसे आप मान लो कॉलेज में ही बैठे हो अपने बेंच पे, और बेंच है जिस पर आप बैठे हो और आपके सामने है टेबल। तो टेबल को अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर देखूं, मॉलिक्यूलर आई से देखूं, तो वहाँ पर मुझे अलग अलग ऐसे, जैसे अगर मैं देख रहा हूँ नीचे झुक कर, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मान लो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स लेता हूँ यार, छोटे छोटे जो आपको वियर्ड लगे ज़रूर, बट काम के तो होते हैं। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, टेबल पर झुक कर, तो अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर देखूं तो मुझे ऐसे 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 लाइंस बहुत सारी इन जनरल फॉर्म होते हुए दिखेंगे। अगर मैं एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर ना जाऊं, थोड़ा ऊपर ही रहूं, तो मुझे लाइंस दिखेंगी। अब लोग जनरली या स्टूडेंट जनरली मिसकंसेप्शन ये होता है, स्ट्रेटनेस का उनको मतलब लगता है कि लाइन पूरा पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। नहीं, हम क्या करते हैं कि कोई भी लाइन को, मीन्स वो जो मॉलिक्यूलर लाइन है, मीन्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मैंने सब वीडियो पर बताया है, अगर आपने उसको नहीं देखा जाके आप ऊपर आई बटन पर देख लो ये सारे क्या होते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो चीज़ होते हैं जिनके, जिनसे कंपेयर करके हम कोई मेजरमेंट डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, उसके नीचे आता है आपका सेकेंडरी, फिर उसके नीचे टर्शरी, और सबसे नीचे आपका आता है वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड सबसे लो ग्रेड स्टैंडर्ड होता है। मान लो कि आपका जो आप कॉलेज लेकर जाते हो या स्कूल लेकर जाते हो स्टील रूलर, उससे क्या करते हो आप लाइन खींचते हो, 0 से 3 के बीच का अगर लाइन रहेगा तो मीन्स 0 पे मार्किंग रहती है और 3 पे भी मार्किंग रहती है, सारे इंटीजर्स पे ऐसे तो मार्किंग होती ही है। तो 0 से 3 के बीच अगर मैं, 0 पे एक लाइन है और 3 पे एक लाइन है, उसके बीच अगर मैं पेंसिल से लाइन खींचूंगा तो वो 3 सेंटीमीटर को डिनोट करेगा। ये आपको कैसे पता चला? ये आपको, आपने बिलीव किया ना, आपने क्या बिलीव किया? आपने यही बिलीव किया कि स्केल में 0 से 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर। आपने आपने ये बिलीव किया। कैसे बिलीव किया? आपने उसको एक स्टैंडर्ड माना कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये तो सही होगा ही, तो आपने उसको वर्किंग स्टैंडर्ड नाम दिया। ठीक है, तो आप क्या करते हो स्ट्रेटनेस में, जो आपको जिस चीज़ को कंपेयर करना है उसको आप प्राइमरी या सेकेंडरी ऐसे कोई स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, फिर उसका डिविएशन देखते हो कि अपने रिफरेंस मीन पोजीशन से कितना है, मीन्स जहां पर उसको एक्चुअली होना चाहिए उससे कितना डिविएशन है। अगर बहुत ज़्यादा डिविएशन है, देखो स्ट्रेटनेस में ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्ट्रेट रहे, एक विद इन टॉलरेंस जोन में रहे। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस 0 में मानूँ तो, और ये मिलीमीटर में डिफाइन होता है ना, तो अगर मैं +10 और -10, मीन्स +10 मिलीमीटर और -10 मिलीमीटर का टॉलरेंस जोन लूँ, मीन्स ऊपर भी 10 और नीचे भी 10, मीन्स अगर उसके अंदर में डिविएशन आ रहा है, मीन्स एक ऐसी लाइन को मैंने मॉलिक्यूलर लेवल पर चेक किया जिसमें ऊपर देखोगे तो एक डिस्टेंस पे आ रहा है 5 मिलीमीटर, और थोड़े आगे जाओगे तो देखोगे कि वो लाइन नीचे शिफ्ट हो रही है 3 मिलीमीटर में, लेकिन उसका वो टॉलरेंस जोन के अंदर तो है, मीन्स वो +10 और -10 के अंदर में तो है, तो उसको क्या बोलोगे? स्ट्रेट नहीं है बोलोगे, क्योंकि वो एकदम 0 0 0 से कोलाइड नहीं कर रहे, तो क्या बोलोगे? स्ट्रेट नहीं है बोलोगे? नहीं भाई, वो स्ट्रेट है, विद इन टॉलरेंस लिमिट है ना वो, तो वो स्ट्रेटनेस के कैटेगरी में आएगा। तो ये बात आप दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि स्ट्रेटनेस में आप टॉलरेंस जोन के अंदर जो भी रहता है उसको आप स्ट्रेट बोलते हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि स्ट्रेट है तो उसको स्ट्रेट ही होना है, क्योंकि ये टोटली आपके कैलकुलेशन पे है ना। हो सकता है कि मेरे पास कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो मुझे टॉलरेंस जोन +10 -10 का दिखे ही ना, मुझे वो 0 वाली रेफरेंस लाइन दिखे। तो ये पूरी कहानी ह्यूमन कितना प्रिसाइसली चेक कर सकता है, इतने डेप्थ में आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अब किसके जरिए अपन चेक कर करते हैं? ऑटोकोलिमीटर के थ्रू करते हैं। ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर वीडियो। ऑटोकोलिमीटर क्या करता है कि यहाँ पर लाइट फेंकता है, कोई ऐसा सरफेस है मान लो, ठीक है, ऐसे लाइट आई, टकराई और वापस गई। अगर ये सरफेस एकदम स्ट्रेट है, फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। तो ऐसे लाइट आई, टकराई और वापस गई, अगर वो अपने रास्ते को, पाथ को पूरा का पूरा रिट्रेस की, मीन्स क्या उसमें कोई डिविएशन वगैरह है ही नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल फ्लैट है।
ठीक है। हाँ डिफरेंस क्या है स्ट्रेट और फ्लैट में, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। लेकिन इन जनरल वो आपको स्ट्रेट भी कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, वो पाथ बिल्कुल उसने ट्रेस कर लिया, ज्यादा डिविएशन हुआ नहीं। और अगर डिविएशन हुआ भी होता, अगर वो टॉलरेंस जोन के अंदर डिविएशन है, तो भी उसको मैं स्ट्रेट ही बोलता इन जनरल, ये बात आपको दिमाग में घुसानी है। उसके बाद स्पिरिट लेवल भी एक होता है, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो, हाइट गेज, खैर वो तो उतना नहीं, लेकिन हाँ ऑटो कोलिमीटर, क्योंकि यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल होता है, और लाइट जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर वैरी करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क बिल्कुल नहीं आता, तो ये मेथड काफ़ी रिलेटिवली अच्छा माना जाता है। सरफेस प्लेट भी है, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ ऑटो कोलिमीटर मेरे मुझे तो लगता है कि सबसे बेस्ट मेथड है। तो इतने डिटेल में आपको चीज़ों को समझना है यार, तो नीचे कैसे लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अपना प्यार दिखाते रहना, उसे कई ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान रखना। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।